तो आप खिचड़ी तो कई तरीके से बनाए होंगे दोस्तों, पर आज हम जिस तरीके से बना रहे हैं ना, वो मिनटों में बन के तैयार होगा और इतना ज़्यादा टेस्टी कि आप एक बार बनाएंगे और बार बार बनाना पसंद करेंगे मेरे तरीके से। तो इसके लिए क्या करना है, ले लेना है चावल। तो हमने यहाँ पे 2 गिलास चावल ले लिया है, तो आप कोई भी चावल ले सकते हैं जो घर में यूज करते हैं ना, वही ले लीजिएगा। और यहाँ पे हमने ले लिया है 1 गिलास मसूर का दाल, और यहाँ पे मूंग का दाल भी मिक्स था दोस्तों। तो अब हम दोनों को मिक्स कर देंगे और इसे हम 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो चलिए हम इसे अच्छे से वॉश करके आते हैं। और ये देखिए हमने वॉश करके रख लिया, तो चलिए हम इसे साइड में रखते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ ले लिया है दोस्तों, जैसे में शिमला मिर्च, बैंगन, आलू, फूल गोभी, इस तरह से बारीक कट करके ले लिया है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमने एक कुकर ले लिया है और इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल। तो देखिए तेल बहुत ही ज़्यादा गिर गया था दोस्तों, तो चलिए हम थोड़ा निकाल लेते हैं। इसके बाद डालेंगे जीरा, लाल सूखा मिर्च और थोड़ा रोस्ट होने देंगे। इसके बाद ऐड कर देंगे सारे सब्जियाँ। और यहाँ पे हम बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे दोस्तों, तो इसलिए हम लहसुन प्याज नहीं ऐड करेंगे। फिर भी ये खिचड़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हम इन सब चीज़ों को 2 मिनट के लिए भून लेते हैं मीडियम फ्लेम पर। इसके बाद सारे बेसिक मसाले ऐड करेंगे, मतलब ज़्यादा मसाले भी यूज नहीं करेंगे दोस्तों, बस थोड़ा मसाला ऐड करेंगे। तो चलिए इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे दोस्तों, फिर भी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अब हम इसे अच्छे से 1 मिनट के लिए और भून लेंगे, मतलब ये सब्जी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा ना, इसके बाद पानी ऐड कर देंगे। तो चलिए हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। और ये देखिए 1 मिनट हो चुका है, तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो वहाँ पर हमने 2 गिलास चावल और 1 गिलास पानी लिया था, और ये बड़े गिलास से 1 गिलास हुआ है दाल चावल दोनों मिक्स करके। तो यहाँ पर हम 5 गिलास पानी डालेंगे दोस्तों, और यहाँ पे ऐड कर देंगे दाल और चावल को, दोनों मतलब मिक्स करके रखा था ना, वो ऐड कर देंगे। और इसे ऐड करके इसे पहले अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे आलू, जो कि हम आलू के भरता बनाएंगे। जब भी हम खिचड़ी बनाते हैं तो आलू के भरते तो ज़रूर रहना चाहिए दोस्तों, तो इसलिए हम आलू भी ऐड कर देंगे। साथ ही साथ आलू भी मतलब भरता भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम इसे पहले टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर दीजिएगा, और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर 2 से 3 सीटी आने तक इसे पका लेना है। तो चलिए हम इसे ढककर 2 से 3 सीटी आने का इंतज़ार करते हैं। और ये देखिए 2 से 3 सीटी आ चुका है, तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, थोड़े देर के लिए ठंडा होने देंगे। और ये देखिए ठंडा भी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, आलू को निकाल लेंगे। और ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से पानी डाले थे ना, देखिए कितना बढ़िया खिचड़ी बन के तैयार हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, आलू को निकाल लेंगे और भरता तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब सर्व करने की बारी है। और ये देखिए हमारी खिचड़ी की थाली, खिचड़ी, आलू का भरता, अचार, सलाद सब रेडी है दोस्तों सर्व के लिए। तो आप भी मेरे तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ऊपर से तड़का लगा देते हैं, इससे देखने में भी बढ़िया लगेगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आपको ये खिचड़ी की रेसिपी कैसा लगा एकदम बिहारी स्टाइल में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।